नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 6:7 हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का अनुपात क्या है, 9:11, ठीक है, और फिर बाद में फाइनल रेशियो कितना हो गया, 6:7, ठीक है ना, अनुपात कितना हो गया 6:7। अब ऐड कितना किया गया है, यहाँ भी 6 किया गया है और यहाँ भी 6 किया गया है, ठीक है ना, डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे है 3 का और यहाँ पे है 4 का, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हम इक्वल कैसे करेंगे, हमें करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 9 और 11 का डिफरेंस कितना होता है 2, और 6 और 7 का डिफरेंस क्या है 1, जो डिफरेंस नीचे वाले रेशियो का है उसको ऊपर वाले से गुना कर दो, 9 गुना 1 11 गुना 1, और जो रेशियो जो डिफरेंस ऊपर है उसको नीचे वाले रेशियो से गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया 6 गुना 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 गुना 2, ठीक है, अब फाइनल रेशियो कितना हुआ 9 और 11, ठीक है, और नीचे क्या है 12 और 14, ठीक है ना, अब ये फाइनल रेशियो बने। अब डिफरेंस देखिए आप इनका, अब डिफरेंस हो गया 3 का, 3 यूनिट, और यहाँ भी 3 यूनिट, अब बराबर है, अब 3 यूनिट एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, देखिए 3 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 6 6 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 11 यूनिट, ठीक है 11 यूनिट, और यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, नीचे वाले रेशियो में देखिए शुरू में तो अनुपात ये था 9 और 11, 6 जोड़ने पे रेशियो ये नीचे आया 12 और 14, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 14 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 गुना 2 यानी 28, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है।